मेरे पूर्वज वीर तेजाजी महाराज, मेरे पूर्वज वीर तेजाजी महाराज हैं, जाट वंश से हैं वो, खरनाल नागौर से। हुआ क्या कि उनकी बचपन में शादी हो गई थी। अब बचपन में शादी हो गई तो उनको पता नहीं था कि शादी वगैरह के बाल विवाह ज्यादा होते हैं राजस्थान में, तो हो गई, किसी ने बताया भी नहीं। एक दिन वो खेत पे काम कर रहे थे तो भाभी ने बोला, भाभी के खाना लेट लेकर पहुंची, वो भूखे मर रहे थे, मतलब भूख लग रही थी उनको जोर से, तो भाभी के ऊपर उन्होंने चिल्लाया कि खाना जल्दी नहीं ला सकते थे, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, खाना जल्दी नहीं ला सकते थे, मेरे को भूख लग रही है। तो उन्होंने ताना मारा कि आपकी वाली को ही लाइए, उसे गरम गरम फल के खाइए, मुझ पर तंस मत कीजिए, मुझ पर तंस मत कीजिए, आप अपनी वाली को लेके आइए। जब उन्हें पता लगा कि अपनी वाली मतलब मेरी शादी हो रही है, ओहो मैं बहुत खुश हो गया, मैं घर गया, माँ से बोला कि मेरी शादी कब हुई, बोले बचपन में, बोले कहाँ हुई, बोले पनेर, पनेर कहाँ है, ये अजमेर में। अच्छा वाइफ का नाम क्या है, पेमल, ओ चलते हैं फिर, वो लीलन घोड़ी पे सवार होकर चलते हैं ससुराल की तरफ। आदमी ससुराल की तरफ जाएगा, पहली बार प्रेमिका पत्नी से मिलेगा, जल्दीबाजी में रहिएगा, जल्दीबाजी में रहिएगा तो गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए आराम से चलना है। हुआ ये कि जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचे, उनकी जो सासू माँ थी वो दूध निकाल रही थी, और वो लीलन घोड़ी पे सवार थे, और घोड़ी के खुरों की आवाज टक 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 आती है। जब ये टक टक आवाज आई तो जो भैंस दूध निकाल रहे थे गाय से, वो गाय ने टांग से उस दूध को फैला दिया, तो सासू जी ने गाली निकाल दी होगी, कुछ बोला होगा, कुछ तंज कसा होगा, वो तंज तेजाजी के कानों में सुन गया, उनको बुरा लगा, उन्होंने सोचा मैं पहली बार आया हूँ और सासू जी ने आते ही क्या प्रसाद दिया है मुझे, मुझे नहीं रहना है, मुझे वापिस चले जाना है। फिर वो वापिस जाने लगे तो सालियाँ होती है ना, सालियाँ बहुत काम आती है यहाँ पर। साली थी पेमल की जो दोस्त थी, उन्होंने उनको रोका, पेमल को पता लग गया था कि वीर तेजाजी पधार रहे हैं, तो साली ने रोका कि आज आप यहीं रुकिए, सासू जी हैं, बड़े बूढ़े आदमी हैं, बोल देते हैं, बुरा ना मानिए, आप हमारे घर चलिए। तेजाजी उनके घर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद होता क्या है, यहाँ से उनकी जो गायों वाली जो बात बता रहा था वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वो सो रहे थे हमारे तरफ मेर के मीना, वही अजमेर का आसपास क्षेत्र है मेर के मीना। वो जो पेमल की जो दोस्त थी उसकी गायें वगैरह चुरा के ले गए। वो आके तेजाजी के पास बोलती है कि मेरी गायें चुरा के ले गए हैं, आप मुझे छुड़ा के लेके आइए, कैसे भी करके आप आज यहाँ आए हैं, मैं आपके साथ बातें कर रही थी, आपके चक्कर में मेरी गायें चली गई है, तो आप लेके आई हो। तेजाजी वहाँ से चलते हैं अपनी लीलन घोड़ी पे सवार होकर, वो पूरी गायों को छुड़ा लाते हैं, आते हैं लेके, एक बछड़ा रह जाता है, एक बछड़ा रह जाता है, बाकी सारी गायें आ जाती है। तो वो पेमल की दोस्त बोलती है कि मेरा बछड़ा रह गया है, इसके बिना गाय दूध नहीं देगी, तो बछड़ा तो लेके आना पड़ेगा आपको। जब वो वापिस जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि जंगल में एक पेड़ के नीचे आग में सांप जल रहा था। तेजाजी ने सोचा कि सांप जल रहा है, दर्द सहन नहीं कर पा रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, उन्होंने अपना बाला लिया और बाले से सांप को बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, नाग देवता गुस्सा क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर बोले, मेरा समय इस धरती से पूर्ण हो गया था, मैं जाने वाला था, आपने वापिस बुला दिया मुझे, मैं इसके लिए आपको प्रताड़ित करूंगा, दंड दूंगा। तो तेजाजी ने बोला कि अभी तो मत दीजिए, अभी मुझे एक वचन मिला है, मुझे बछड़ा पहुंचाना है, अभी मैं बछड़ा पहुंचा कर वापिस आपके पास आऊंगा, आप तब मुझे दंड दीजिएगा। तेजाजी वहां से जाते हैं, बछड़ा छुड़ा के लाते हैं, वहाँ पे युद्ध होता है मेर के मीणाओं से, तो तेजाजी पूरी तरह घायल हो जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर खून नहीं निकल रहा होगा, खून से लथपथ तेजाजी वापस आते हैं, बछड़ा सौंपते हैं, और उन्होंने
वो वापस नाग देवता के पास जाते हैं, क्योंकि वो वहां पे वचन दे के आए थे कि मैं आऊंगा, मैं वहां पर वापस आऊंगा। जब वो वहां पर पहुंचे, जब वो वहां पर पहुंचे तो नाग देवता ने बोला, बोले तुम तो पूरे लहू लुहान से हो, मैं तुम्हें डसना चाहता हूँ, सांप डसेगा ही तो, बोले जगह जगह से खून निकल रहा है, तुम्हें डसो कहाँ से। तो दयाजी ने बोला कि आप एक काम करिए, मेरे भाले पे आइए और मेरी जीप पे डसिए। मेरी जीप ही एक ऐसी जगह बची है जहाँ पर लहू नहीं है, तो आप मेरे भाले से, भाले पर सवार होकर, भाले पर सवार होकर मेरी जीप पे डस मारिए। इसलिए हमारे वीर तेजाजी परम पूजनीय हैं, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण नौछावर कर दिए। और एक कहावत क्या, एक प्रसिद्ध है कि जब भी अपने को सांप कीड़ा या कुछ भी खाए तो उनके नाम से अगर डोरा भी बांध दिया जाए या कुछ लगा भी दिया जाए तो उनका जहर लगभग लगभग या